नागरी लिपि प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई? तो पहला प्रश्न है का उत्तर है, 2वीं सदी में जब इस लिपि के टाइप बने और पुस्तक छपने लगी तब इसमें स्थिरता आ गई थी। दूसरा प्रश्न है, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं? तो उत्तर होगा, देवनागरी लिपि में संस्कृत, हिंदी, नेपाली, नेवारी, मराठी, गुजराती, मैथिली, मगधी आदि भाषाएं लिखी जाती हैं। तीसरा प्रश्न है, लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है? उत्तर है, लेखक ने गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि तथा बाद में सिद्धम लिपि में देवनागरी का संबंध बताया है। चौथा प्रश्न है, नंदी नगरी किसे कहते हैं? किस प्रसंग में लेखक ने इसका उल्लेख किया है? नंदी नगरी देवनागरी को ही कहते हैं। महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट राजाओं के समय नंदी नगर नांदेड़ की लिपि होने के कारण वह नंदी नागरी कहलाने लगी। पांचवा प्रश्न है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? उनके विवरण दें। तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश के राजा दंती दुर्गा के शामा गंड दानपत्र 754 ईस्वी का प्राप्त हुए हैं। छठा प्रश्न है, ब्राह्मी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है? तो ब्राह्मी लिपि और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान है कि ब्राह्मी लिपि और सिद्धम लिपि के अक्षरों के सिरों पर छोटी आड़ी लकीरें या ठोस तिकोन है, लेकिन नागरी लिपि के अक्षरों पर लंबी लकीरें अक्षरों की चौड़ाई के अनुकूल ऊपर जाती है। सातवां प्रश्न है, उस भारत में किन शासकों के प्राचीन नगरी लेख प्राप्त होते हैं? उत्तर है, उत्तर भारत में गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक कन्नौज में शासन करते थे, जिसमें मिहिर भोज महेंद्रपाल प्रसिद्ध राजा हुए। मिहिर भोज जो कि 840 और 881 ईस्वी तक शासन किया था, उनका ग्वालियर प्रशस्ति पत्र देवनागरी लिपि का लेख है। आठवां प्रश्न है, नागरिक को देवनागरी क्यों कहते हैं? लेखक इस संबंध में क्या बताता है? तो आठवां का उत्तर है, नागरिक लिपि को देवनागरी कहलाने के पक्ष में सब प्रमाण सबूत तो नहीं है, परंतु नागरी शब्द नगर से संबंधित है। पटना जो कभी नगर कहा जाता था, वहाँ के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था। संभवतः पटना नगर देवनगर भी कहलाता होगा। उसी के आधार पर उत्तर भारत की लिपि को देवनागरी लिपि लोगों ने नाम रख दिया होगा। नौवां प्रश्न अब हम पढ़ेंगे और उसका उत्तर समझेंगे। तो नौवां प्रश्न है, नागरिक की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का क्या कहना है? पटना से नागरिक का क्या संबंध है?
लेखक ने बताया। तो नौवां का उत्तर है, नागरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का कहना है कि नगर से ही नागरी शब्द बना है। पटना को कभी नगर कहा जाता था, अतः पटना से ही इस लिपि की उत्पत्ति होने की कारण यह नागरी लिपि नाम धारण किया गया होगा। दसवां प्रश्न आपका है, नागरिक लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी? तो नागरिक लिपि 8वीं सदी से लेकर 11वीं सदी के बीच नागरी लिपि एक सर्वदेशिक लिपि थी। 11वां प्रश्न आपका है, नागरिक लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है, इस संबंध में लेखक क्या जानकारी देते हैं? तो लेखक क्या जानकारी देते हैं? उत्तर है, नागरिक लिपि के साथ साथ भारतीय इतिहास व भारतीय संस्कृति के एक एक युग का जन्म होता है, तथा नागरिक के साथ साथ उसके प्रादेशिक भाषाएं भी जन्म लेती हैं। इस संबंध में लेखक जानकारी देते हैं कि 8वीं-9वीं सदी का आरंभिक हिंदी साहित्य प्राप्त हुआ है, तथा मराठी, गुजराती, बंगाली भाषा के संबंध लेख भी उसी काल के हैं। 12वां प्रश्न है, गुज्जर प्रतिहार कौन थे? उत्तर है, गुज्जर प्रतिहार विदेशी थे, ये भारत आकर बस गए थे। 8वीं सदी के पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश में इन्होंने शासन कायम किया, बाद में कन्नौज पर भी इनका अधिकार हो गया। गुज्जर प्रतिहार राजाओं में मिहिर, भोज और महेंद्रपाल आदि महान राजाओं में गिने जाते थे। और 13वां प्रश्न है, निबंध के आधार पर कालक्रम से नागरिक लेखों से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करें। तो उत्तर है, 8वीं सदी में 754 ईस्वी का राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्गा का शमागंड दान पत्र, 9वीं सदी का 850 ईस्वी जैन गणित महावीरचार्य की रचना गणित सार संग्रह, तथा 10वीं सदी में लिखा हुआ दोहा कोश, 11वीं सदी में शिलाहार शासक केशवदेव प्रथम का शिलालेख, 1012 ईस्वी उपलब्ध है कि 1020 ईस्वी का दान पत्र जो परमा वंश का विशुद्ध राजा भोज का है। इसी प्रकार से यह प्रश्न और उत्तर की श्रृंखला आपके लिए मैं लाता रहूँगा। आज हम लोग नागरिक लिपि प्रश्न उत्तर किए हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।